नादरीन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में एक पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसे असल में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के तौर पर 1875 में कायम किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट के बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1921 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। इसके AMU मालमपुर कैंपस केरला, AMU मुर्शिदाबाद सेंटर मगरबी बंगाल और किशनगंज सेंटर बिहार में तीन ऑफ कैंपस मराकज़ हैं। नादरीन, 1938 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के उस वक्त के सदर मोहम्मद अली जिन्ना को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन का ताहयात रुकन बना दिया गया था। इस एजाज की मुनासबत से यूनियन की दीवारों पर उनकी तस्वीर लगा दी गई। ये पोर्ट्रेट इंतहाई दिलचस्प है क्योंकि इसमें जिन्ना को उनकी तब्दीली के इब्तदाई दिनों में दिखाया गया है। उन्होंने अपनी कराकल की टोपी पहन रखी है जिसमें जिन्ना से लिबरल, एतदाल पसंद हिंदुस्तानी कौम परस्त कायदे आजम तक की तब्दीली की तस्वीर कशी की गई है जिसे पाकिस्तान बाबाए कौम के तौर पर जानता है। नादरीन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने तहरीक पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इस तहरीक के बहुत से रहनुमा और नज़रियाती लोग वहाँ से पढ़े और मुतहर्रिक हुए। नादरीन जिन्ना ने इंतकाल से पहले अपनी बकाया जायदाद का एक तिहाई हिस्सा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अतिया कर दिया था। यही वजह है कि पोर्ट्रेट के जरिए यूनिवर्सिटी एक फयाज खिदमतगुजार और अपनी तारीख के एक अहम हिस्से को एजाज बख्श रही थी। नादरीन, हिंदुस्तान की पिछली हुकूमतों ने इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई अमल नहीं किया। इसे मरकजी हुकूमत की तरफ से आज़ादाना फंडिंग और हमायत मिलती रही। दरहकीकत 70 साल से ज़्यादातर हिंदुस्तानियों को मालूम ही नहीं था कि इस तरह की तस्वीर पहली जगह पर मौजूद है। ताहम हाल ही में भारतीय जनता पार्टी BJP के लोकसभा रुकन सतीश कुमार गौतम ने AMU के वाइस चांसलर को एक खत लिखकर इस तस्वीर को हटाने और इसकी जगह हिंदुस्तान के साबिक सदर APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर लगाने की दरख्वास्त की थी। मरहूम सदर अब्दुल कलाम दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले अच्छे मुसलमान थे। वो हिंदुस्तान के मिज़ाइल मैन थे, वीना बजाते थे और मुमताज़ हिंदू सनतों से आशीर्वाद हासिल करने के अलावा भगवद गीता पढ़ते थे। नादरीन, तकरीबन स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर जना खड़े हैं। जसवंत सिंह और LK एडवाणी जैसे BJP रहनुमा उनके बारे में हमदर्दाना रवैया अख्तियार करने की वजह से मुश्किल में फंस गए थे, जैसा कि हिंदुस्तान में कांग्रेसी लीडरों ने नहीं किया। इसलिए हिंदुस्तान में दाएं बाजू के जिन्ना के साथ कुछ पेचीदा ताल्लुकात हैं। नादरीन, इस तरह जिन्ना वो शख्स हैं जिन्होंने मुकद्दस अखंड भारत के नज़रिए को तोड़ा, लेकिन जिन्ना वो शख्स भी हैं जिन्होंने आखिरकार हिंदुस्तान के हिंदुओं को मजबूर किया। इसलिए भारत कभी भी लोगों के बारे में नहीं था, ये ज़मीन के बारे में था और इस ज़मीन की तारीख के बारे में जो छीन ली गई थी। इसीलिए जाने पर जिन्ना सरकारी तौर पर नॉन ग्रेटा शख्स होंगे, लेकिन गैर सरकारी तौर पर एक मुस्लिम सियासी तशख्स को मुस्तहकम करके और फिर पाकिस्तान बनाकर हिंदू सियासी तशख्स को मजबूत करने में मदद करने के लिए वो बहुत से लोगों के लिए तोहफा होंगे। नादरीन, भारत में जिन्ना को तकसीम और डायरेक्ट एक्शन डे और उन दो दर्दनाक एपिसोड्स में ज़ाया होने वाली जानों के लिए ज़िम्मेदार समझा जाता है। लिहाजा BJP की जिन्ना की तस्वीर को उतारने की कोशिश को वाकयात के सिलसिले के एक हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें नरेंद्र मोदी के इकतदार में आने के बाद से हिंदुत्वा ने खुद को ज़्यादा मजबूती से जाहिर करने की कोशिश की है। दावे की इस एपिसोड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के लोग पोर्ट्रेट हटाने का मुतालबा करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर घुस आए। उसके बाद होने वाली झड़प में तलबा जख्मी भी हो गए। नादरीन, जिन्ना के पोर्ट्रेट को हटाना गैर महफूज तंग कौम परस्ती की इक्कासी करेगा। अगर हम माजी की बेहतर अंदाज में तारीफ कर सकते हैं तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान के अंदर भी मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान ताल्लुकात को बुनियादी तौर पर बेहतर कर सकता है।